आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओंकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. 9 राज्यों में चुनावी दंगल, लोकसभा की होगी सेमीफाइनल. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा. शाकंभरी पूर्णिमा को लेकर सोनभद्र में महाराष्ट्र से भक्तों की आमद बढ़ी. दक्षिण विभाग में शुरू हुआ बूथ विजय अभियान. भाजपा का इरादा ग्रामीण से संजय दादा. अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा से आर्थिक कसौटी पर आरक्षण की मांग. उत्तर मंडल भाजपा का विजय अभियान शुरू. जय किसान सब्जी मंडी में प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद. S. Chennabasappa and Sons, The Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते. नमस्कार, मी अमित शिंदोरे. या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते. निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून तर छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो. कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात. Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात. कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता. नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62. त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो. असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत. आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो. प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे. आता नवीन Z62च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते. द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पॉवर हाऊस. अब समाचार विस्तार से. नए साल में यानी 2023 में देश के 9 राज्यों में चुनाव होंगे. जानकारों का कहना है कि ये साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है. नए साल में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में फरवरी मार्च में चुनाव होंगे. इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तारीखों को खत्म हो रहा है. त्रिपुरा भाजपा द्वारा शासित है, जबकि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में है. राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त नेशनल पीपुल्स पार्टी मेघालय में सत्ता में है. चुनाव आयोग के सूत्रों ने दिसंबर में संकेत दिया था कि कर्नाटक में चुनाव के बाद इन तीनों राज्यों में संयुक्त चुनाव होंगे. 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा है. भाजपा शासित इस राज्य में नई विधानसभा के गठन के लिए अप्रैल के अंत या मई की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं. मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के अंतिम चरण में है. इस साल दिसंबर और जनवरी 2014 में इन विधानसभाओं का कार्यकाल अलग अलग तारीखों को खत्म होगा. आशा है कि इन 5 राज्यों में चुनाव एक साथ होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को बरकरार रखा. मोदी सरकार द्वारा 2016 में ली गई नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला सही है. केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए कुल 58 याचिकाएं दायर की गई. इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 7 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला सही है. केंद्र सरकार द्वारा 8 नवंबर 2016 को लिया गया नोटबंदी का फैसला असंवैधानिक नहीं है. निर्णय लेने में अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया के आधार पर निर्णय को अमान्य नहीं किया जा सकता. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि RBI अधिनियम की धारा 26 को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है. शाकंभरी पूर्णिमा को लेकर सौंदती में महाराष्ट्र से भक्तों की आमद बढ़ी.
बेलगाम जिले के पवित्र तीर्थस्थल सौंदती स्थित श्री रेणुका देवी मंदिर में देश भर से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आने पर सौंदती रेणुका देवी यात्रा 6 शाकंभरी पूर्णिमा को हो जाएगी। इसके लिए अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इस पृष्ठभूमि में जिला पुलिस प्रमुख डॉक्टर संजीव पाटिल ने शनिवार को परिवहन, तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उनके द्वारा अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए। सौंदती रेणुका देवी यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है, ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सावधानी बरती जा रही है। शांतिपूर्ण यात्रा के इंतजाम किए गए हैं। दक्षिण विभाग में शुरू हुआ बूथ विजय अभियान। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोमवार से बूथवार विजय अभियान शुरू कर दिया गया है। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में विधायक अभय पाटिल के नेतृत्व में भाजपा का झंडा घर घर फहराने का अभियान शुरू किया गया है। राज्य भर में 50 लाख घरों पर यह झंडा फहराने का निर्णय लिया है। यह अभियान 2 जनवरी से 12 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की प्रगति के लिए बहुत योगदान दिया है। इसी तरह मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है, इसलिए भाजपा के नेतृत्व में विकास के मजबूत कदम तय करने के लिए यह अभियान घर घर चलाया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए नागरिकों को आह्वानित किया गया था। भाजपा का इरादा ग्रामीण से संजय दादा। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना मजबूत गढ़ खो दिया था, इसलिए एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का परचम लहराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ग्रामीण प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक संजय पाटिल का नाम सील कर दिया गया है। उन्हें बहुमत से जिताने के लिए जिले के कई नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण की भाजपा उम्मीदवारी को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही थी। हालांकि पार्टी अभिजात वर्ग एक बार फिर से पूर्व विधायक संजय पाटिल का नाम चुने जाने के बाद से बीजेपी की मंशा और एक बार फिर संजय दादा की छवि तय हो गई है। गोमतेश विश्वविद्यालय में रविवार शाम को पूर्व विधायक संजय पाटिल के जन्मदिन के जश्न में इस दृढ़ संकल्प का खुलासा हुआ। समारोह का आयोजन गोमतेश विश्वविद्यालय परिसर में 50,000 से अधिक नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। इसमें जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल, सांसद ईराना कडाड़ी, बेलगाम उत्तर विधायक अनिल बेनके, दक्षिण विधायक अभय पाटिल, खानापुर के अरविंद पाटिल, महंतेश कवड़कीमठ, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट एमबी जिरली मौजूद थे। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से आर्थिक कसौटी पर आरक्षण की मांग। इस समय देश में हर जगह आरक्षण की मांग उठ रही है। हालांकि अगर देश में आर्थिक कसौटी पर आरक्षण दिया जाए तो देश का विकास हो सकता है। ये भी विचार करते हुए देश में जाति व्यवस्था को नष्ट करके एकरूपता प्राप्त करना संभव होगा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से केंद्र से ये मांग की जा रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह तनवर ने पत्रकार वार्ता में कही, इस संगठन ने आर्थिक आरक्षण की मांग को लेकर देश भर में रथयात्रा अभियान शुरू किया है। यह रथयात्रा 23 दिसंबर से हैदराबाद से शुरू हुई है। यह यात्रा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, कर्नाटक और गोवा के दक्षिणी राज्यों में शुरू की गई है। मांग की गई कि केंद्र सरकार को वित्तीय आरक्षण पर फैसला लेना चाहिए। इस पत्रकार वार्ता के दौरान महासभा के सचिव अनिल सिंह चंदेल, अनिल चौधरी, अभय सिंह ठाकुर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। उत्तर मंडल भाजपा का विजय अभियान शुरू। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बेलगाम शहर उत्तर प्रमंडल में विजय अभियान कार्यक्रम चलाया गया है। इसकी शुरुआत सोमवार से हुई। इस अवसर पर कनबर्गी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन की योजना अनिल बेनके के नेतृत्व में आयोजित किया गया। जिला पालक मंत्री गोविंद कारजोल और ईराना कडाड़ी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा निश्चित रूप से भविष्य में देश के विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों से भाजपा के साथ खड़े होने की अपील की। कार्यक्रम के प्रारंभ में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा भारत माता की प्रतिमा का पूजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी एडवोकेट रमेश देशपांडे, उज्ज्वला बड़वानाचे सहित नगर सेवक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। जय किसान सब्जी मंडी में प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद। प्रवेश शुल्क को लेकर हुए विवाद के बाद जय किसान सब्जी मंडी के दोनों ओर लगे वाहनों की कतार के कारण सुबह 4 बजे से 9 बजे तक 5 घंटे तक ट्रैफिक जाम लग गया। सब्जी मंडी में आने वाले किसानों ने गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्टैंड लिया कि दूसरे राज्यों से आने वाले किसानों और वाहनों से प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए, इसे 5 घंटे तक जाम लगा रहा। सुबह से ही प्रवेश शुल्क को लेकर विवाद चल रहा था। उसके बाद कुछ वाहन चालकों ने जय किसान सब्जी मंडी के मुख्य गेट पर अपने वाहन खड़े कर सभी को रोक लिया। इससे सब्जी मंडी में दोनों तरफ से आने वाले वाहन फंस गए। सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ने से भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जय किसान मार्केट के संचालक ने आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन धरना 5 घंटे तक चलता रहा। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल
बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। प्रख्यात आयुर्वेद विशेषज्ञ और बेलगाम में अत्रिविरत मल्टी स्पेशलिटी सेंटर के निर्देशक डॉक्टर वैद्य रुपेश सालुंखे को गोवा में भास्कर भूषण संगठन की ओर से प्रेरणा मूर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुरस्कार वितरण किया। कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन संस्था गोवा के हॉल में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर रुपेश सालुंखे ने आयुर्वेद के माध्यम से आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य का मार्ग प्रदान किया है। यह पुरस्कार उनके काम की मान्यता में दिया गया। उन्होंने कंकनवाड़ी आयुर्वेद कॉलेज बेलगाम में प्रोफेसर के रूप में काम किया। काम करते समय शास्त्रीय आयुर्वेद चिकित्सा को जन जन तक पहुंचाने के लिए 2005 में बेलगाम में अत्रिवरत मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेद केंद्र की स्थापना की गई। इस सेवा से महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के 1,00,000 से अधिक मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। भीमा कोरेगांव विजय दिवस समारोह संपन्न। भीमा कोरेगांव विजय दिवस शहर के विभिन्न संगठनों की ओर से बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रारंभ में किला तालाब स्थित महारेजिमेंट से विजय ज्योति जुलूस निकाला गया और जुलूस क्रांतिवीर संगोली रायना चौक, रानी चन्नम्मा चौक से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उधनवन तक निकाला गया। बाबा साहेब अम्बेडकर उद्यान में विजय ज्योति का स्वागत किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 520 सिपाहियों को शौर्य की सलामी दी गई। इसके बाद अतिथि प्रोफेसर केडी मंत्रेशी ने भीमा कोरेगांव की शौर्य गाथा की जानकारी दी। इस मौके पर उपायुक्त भाग्यश्री मुखी भीमा कोरेगांव और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। नंदिनी मिल्क ग्रुप का अमूल में विलय ना होने का स्पष्टीकरण। नंदिनी दूध अपना अलग अस्तित्व बनाए रखेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि अगर नंदिनी और अमूल दूध साथ आ गए तो क्षीर क्रांति होगी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सफाई दी है कि इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, नंदिनी अमूल के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये दोनों कंपनियां गुणवत्तापूर्ण उत्पाद पेश करती है। दोनों ब्रांड महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों कंपनियां एक दूसरे के सहयोग से काम करती है, केंद्रीय मंत्री शाह ने राय जाहिर की थी कि इससे कंपनियों के साथ साथ दुग्ध उत्पादकों को भी फायदा होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन फरवरी में होगा। यहाँ रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेल विकास कार्यों का उद्घाटन फरवरी तक के लिए टाल दिया गया है। आंशिक कार्यों को पूरा करने की समय सीमा दी गई। रेलवे का फरवरी के दूसरे सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन किए जाने की संभावना है। बेलगाम में रेलवे स्टेशन की शुरुआत 1981 में हुई थी। इसके बाद 4 बार इसका नवीनीकरण किया गया। उसके बाद पहली बार पूर्ण भवन बनाने का निर्णय लिया गया। भूमि पूजन मई 2018 में किया गया था। दिवंगत रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने उम्मीद दी थी कि रेलवे स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना चाहिए, इसलिए मोदी को इस काम का उद्घाटन करना चाहिए। ऐसे सांसद मंगला अंगड़ी के प्रयास जारी है। बालिका आदर्श विद्यालय का स्नेह सम्मेलन मनाया गया। बालिका आदर्श विद्यालय तिलकवाड़ी नितिन मोहोलकर मराठी प्राथमिक विद्यालय और शिशु विहार के रघुनाथराव दांडेकर वार्षिक स्नेह सम्मेलन शुक्रवार को संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। सोसाइटी अध्यक्ष जी एन फड़के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में जीएसएस कॉलेज के प्राचार्य बी एल मधुकर और पत्रकार मल्लिकार्जुन मुगली मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। प्रारंभ में बालिका आदर्श में छात्रों की हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन प्राचार्य मधुकर ने किया। अटल टिंकरिंग लैब में वैज्ञानिक उपकरणों की प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री मधुकर ने किया। मुख्य कार्यक्रम मराठा मंदिर सांस्कृतिक भवन से शुरू हुआ। अध्यक्ष गोविंद फड़के ने स्वागत एवं परिचय दिया। रोजगार हमी योजना में बेलगाम जिला प्रथम।
बेलगाम जिले ने रोजगार हमी योजना के माध्यम से राज्य में सर्वाधिक मानव दिवस कार्य किया गया है। इससे 7.84 परिवार लाभान्वित हुए हैं। नतीजतः रोहयो जिले के मजदूरों के लिए वरदान बन गया है। रोहयो के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की महत्वाकांक्षा योजना पर काम चल रहा है। इसके जरिए स्थानीय स्तर पर काम दिया जा रहा है। इनमें सरकारी स्कूल मैदान, गांव की सड़कें, तालाबों का विकास, खेत की सड़कें, पशु शेड, जल पुनर्भरण कार्य शामिल है। 2022 से 23 के बीच 1.5 करोड़ मानव दिवस कार्य किया गया है और 7.84 लाख परिवारों को रोशन और 7.84 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। सबसे ज्यादा काम सौंदती, बेलगाम, खानापुर, हुक्केरी, चिकोड़ी, अथनी तालुका में हुआ है। यहाँ रोहियो को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अंकली में गन्ना फसल पर संगोष्ठी संपन्न। किसानों को नए तकनीशियनों को नियुक्त करना चाहिए, उसके बाद ही भविष्य में कृषि व्यवसाय टिक पाएगा। ऐसा विचार केली शिक्षा संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे ने प्रकट किया। गन्ना निराई फसल एवं कीट नियंत्रण लिमिटेड की ओर से आयोजित सेमिनार के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। चिदानंद कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, शिवशक्ति शुगर लिमिटेड, इन संस्थाओं के सहयोग से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता चिदानंद कोरे सहकारी चीनी मिल के अध्यक्ष भरतेश बनवानी ने की, जबकि चीनी मिल के उपाध्यक्ष मल्लिकार्जुन कोरे, मुख्य अतिथि आरटी देसाई, बसवराज यानकी, एसएस हिरेमठ, नारायण स्वामी उपस्थित थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।